न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। जन आशीर्वाद यात्रा में मिले अपार जन समर्थन के बाद बीजेपी ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस यात्रा से पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश व उत्साह पैदा हुआ है, जो आगामी चुनाव में भाजपा के लिए संजीवनी का काम करेगी। यह बात आज शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कही। सुरेश कश्यप ने शिमला में कहा कि जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में चली, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना आशीर्वाद दिया। इसका यात्रा का उद्देश्य मोदी सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना था। इस यात्रा में 630 किलोमीटर का सफर किया गया, 1 लाख से ज्यादा लोगों से संपर्क साधा गया, 22 जनसभा इस दौरान की गई। इस यात्रा को सभी का समर्थन मिला है। कोविड काल में लोग घरों से बाहर निकले व नया मोबाइल प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल का सौभाग्य है कि अनुराग ठाकुर मोदी कैबिनेट में महत्वपूर्ण स्थान मिला। कश्यप ने कहा कि इस यात्रा में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा, आने वाले समय में पार्टी को इसका फायदा होगा। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह स्वास्थ्य खराब होने के कारण यात्रा में शामिल नहीं हो पाए, उनके पुत्र इसमें शामिल हुए। कश्यप ने कहा कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयार है। अर्की में बीजेपी के अंदर टिकट को लेकर चल रही खिंचतान पर उन्होंने कहा कि जब तक टिकट फाइनल नहीं होता तब तक सभी दावेदारी पेश कर सकते हैं। टिकट मिलने पर सभी एकजुट होकर पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। आशीर्वाद यात्रा जो कि 19 तारीख को 8:30 बजे शुरू हुई थी और 24 तारीख को सुबह 4 बजे इसका समापन मैच ऊना से हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि बहुत पॉजिटिव रिस्पांस और बहुत बढ़िया रिस्पांस इस यात्रा को पूरे प्रदेश भर में मिला। यह यात्रा 68 में से 43 विधानसभा क्षेत्रों से होकर निकली, चारों के चारों संसदीय क्षेत्रों में ये यात्रा गई और प्रदेश का समस्त नेतृत्व उसमें इस यात्रा में सम्मिलित हुआ। हमारे सभी माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रीगण, सांसद, विधायक और पार्टी के सभी पदाधिकारी लोग और हमारे मोर्चे के लोग भी इस यात्रा में सम्मिलित हुए और एक जनसलाह जिसको कहेंगे इस यात्रा के दौरान उमड़ा, जिसमें बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे, नौजवान सभी लोग अनुराग जी को अपना आशीर्वाद देते हैं। इस यात्रा में सम्मिलित इस जन आशीर्वाद यात्रा के बाद जनता के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अभी कार्यकर्ता जो कोविड के कारण बहुत सारे परेशानियों के कारण एक शिथिलता कार्यकर्ताओं में आई थी, एक नई ऊर्जा का संचार भी हुआ है और एक नया जोश उनके अंदर आया है। निश्चित रूप से आने वाले जो बाई इलेक्शन है, हमारे जो उपचुनाव है, इसका फायदा हमको मिलेगा, क्योंकि अभी यात्रा के दौरान जो माहौल हमने देखा उसके बाद पूरे हमारी पार्टी रिचार्ज हुई। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।